नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नई और ताज़ा वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 जुलाई गुरुवार आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में। सबसे पहले आज जिन जिन का बर्थडे या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा व्यतीत होगा। शुरुआत करेंगे आज के पंचांग से। दोस्तों आज दिनांक 21 जुलाई 2022 दिन गुरुवार भगवान श्री विष्णु जी का पावन दिन है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह के 8:12 तक रहेगा। इसके उपरांत नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। वहीं दोस्तों नक्षत्र की अगर बात करें तो अश्विनी नक्षत्र दोपहर 2:17 तक रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त का समय दोपहर 12:06 से 1 बजे तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात माने जाने वाले दिन का अशुभ समय दोपहर 2:12 से 3:51 तक रहेगा। याद रखिएगा दोस्तों, राहु काल के समयावधि में किसी भी प्रकार के नए और शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अभिजित मुहूर्त में किया गया कार्य आपके लिए फलदायी साबित होंगे। आइए दोस्तों अब बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा की। सूर्य देव कर्क राशि में विराजमान है और चंद्रदेव मेष राशि में संचार करेगा पूरे दिन रात। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ जानते हैं आज का राशिफल। दोस्तों यह समय आपका स्वाभिमान और आत्मविश्वास बना रहेगा तथा अधिकतर समय किसी खास व्यक्ति के सानिध्य और धार्मिक गतिविधियों में व्यतीत होगा। विद्यार्थियों तथा युवाओं को अपने पढ़ाई अथवा कैरियर से संबंधित किसी समस्या का समाधान मिलने से राहत महसूस करेंगे। वहीं दोस्तों अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो इस समय घर में उचित व्यस्तता बनाए रखने के लिए अनुशासन रखना भी जरूरी है। आर्थिक मामलों को लेकर किसी नजदीक व्यक्ति से वाद विवाद जैसी स्थिति बनने की आशंका है। रिश्तेदारों के साथ संबंधों में दूरियां ना आने दें, इस बात का आपको समय ध्यान रखना होगा। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें निवेश संबंधी गतिविधियों में किए गए प्रयास काफ़ी हद तक सफल भी होंगे और अचानक ही किसी घनिष्ठ व्यक्ति से मुलाकात होने से मन आपका प्रसन्न रहेगा और किसी खास मुद्दे पर विचार विमर्श होने के सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, यह समय व्यर्थ की गतिविधियों में धन और समय के व्यय होने की स्थिति रहेगी। ध्यान रखें कि अधिकतर व्यवहारिक हो जाना कुछ नज़दीकी संबंधों में खटास भी ला सकता है और अपने बजट का ध्यान रखें। किसी भी परेशानी में अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए समय उचित रहेगा। वहीं दोस्तों ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल बनी हुई है, आप अपनी किसी कमजोर को दूर करने का प्रयास करेंगे और उसमें आप सफल भी रहेंगे। कोई मनोवांछित काम पूरा हो जाने से मन आपका सुकून और खुशी रहेगी। वहीं दोस्तों विद्यार्थी और युवा वर्ग अपनी पढ़ाई व कैरियर पर अधिक से अधिक समय फोकस करें और किसी प्रकार का इस समय समझौता या फिर कंप्रोमाइज ना करें, अन्यथा परेशानी आपको इस समय हो सकता है। वहीं दोस्तों यह समय आलस्य और मौज मस्ती में समय को नष्ट ना करें, क्योंकि यह समय अपनी क्षमता और योग्यता पर भरपूर प्रयोग करने का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत ईगो और गुस्से की वजह से आपके बनते हुए काम बिगड़ भी सकती हैं। इस समय आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। सिर्फ इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप कुछ समय गुस्सा करने से बचना होगा, नहीं तो आपके बनते बनाए काम भी बिगड़ सकता है। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, यह समय किसी खास मित्र अथवा संबंधी से विशेष मुद्दे पर वार्तालाप होगा और उनके सहयोग से काफ़ी हिम्मत और हौसला आपका बना रहेगा। फोन और मेल द्वारा नई जानकारियां तथा समाचारों की प्राप्ति होगी।
बातचीत द्वारा आप अपने काम को करवाने में काफ़ी हद तक सक्षम रहेंगे। आपको समय इस बात का ध्यान रखना होगा, किसी दूसरों की बात विवाद में पड़ने से बचना होगा। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय आय के साधन बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी आपके बढ़ेंगे, इसलिए अभी अपना बजट का बनाकर चलना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। इसके उपरांत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने से आप किसी कानूनी चपड़े में भी पड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी की बजाय धैर्य और संयम रखना आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो इस समय व्यापार में अपनी योग्यता और कार्यक्षमता को साबित करने के लिए बहुत अधिक मेहनत और ऑपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय कुछ नीतियां आपके सामने आएंगी। मीडिया तथा मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों पर भी आप अधिक से अधिक ध्यान दें। आपको समय लाभ होने की स्थिति बन रही है, आपको नई नई जानकारियां हासिल होगी और इस समय आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें, कारोबारी में आंतरिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लाने में एक देखिए कार्य प्रणाली में सुधार आ सकता है। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों के लिए समय उचित व अवसर बन रही है। नौकरी पेशा लोग अपने कार्यभार को बेहतरीन तरीके से पूरा करने में सक्षम रहेंगे। वही मित्रों, आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें, यह समय देखिए कार्य क्षेत्र में व्यवस्थित रखने संबंधित सभी निर्णय सुखद ही लेंगे और मशीनरी, स्टाफ आदि से जुड़ी देखिए छोटी मोटी समस्याएं इस समय उठ सकती है, परंतु आप अपनी गंभीरता और संजीदगी से इनका समाधान भी पाने में प्रयास करेंगे और समाधान आपका मिल ही जाएगा। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय पार्टनर संबंधित योजनाएं आपको साकार करने का अनुकूल समय है। एक दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा करना आपको समय नुकसान दे सकता है और इस समय व्यवसाय में कुछ नए प्रस्ताव मिलेंगे तथा कारभार की भी अधिकता बनी रहेगी। नौकरी में किसी गलती की वजह से आपकी मुश्किलें इस समय बढ़ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा। वही दोस्तों, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय घरेलू समस्याओं को सुलझाने में आपका सहयोग जरूरी है। लव पार्टनर के साथ मुलाकात के अवसर सुलभ होंगे और कुछ समय अपने पार्टनर के साथ जरूर व्यतीत करें, ये आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी सेहत यानी कि हेल्थ को लेकर बात करें तो यह समय मानसिक तनाव की वजह से हार्मोन से संबंधित बदलाव महसूस करेंगे तथा ध्यान रखें, मेडिटेशन, योगा आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। कुछ समय अपने योगा मेडिटेशन में अवश्य लगाएं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।